विद्यार्थियों, आर सी एच जो है बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं अंक के प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला अंक की प्रश्न है कि एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। इसमें जब संक्रमण बी तथा डी के संगत हमें फोटोन के तरंग धैर्य ज्ञात करने भाई। देखो ये चित्र हमें दर्शाया गया है, हमें बी और डी जो यहाँ पे ऊर्जा स्तर हैं हमें इनके संगत ऊर्जा इनकी हमें तरंग धैर्य ज्ञात करनी है। इनके संगत फोटोनों की हमें तरंग धैर्य ज्ञात करनी है। तो भाई देखो अपन जानते हैं बोर के तृतीय विग्रहित से हम उससे ज्ञात करेंगे। तो देखो हम जानते हैं बोर के तृतीय अभिग्रहित से। तो भाई देखो जो तीसरा जो अभिग्रहित है बोर का तीसरा वो क्या है अपन जानते हैं, वो होता है एच न्यू बराबर ई एन टू माइनस ई एन वन। यानी बोर अपने तीसरे अभिग्रहित में यही बताता है कि जो फोटोन होते हैं जब वे इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक कक्षा में दूसरी में जब वह संक्रमण करता है वो उस कंडीशन वह फोटोन के रूप में ऊर्जा बाहर निकालता है और उस ऊर्जा का ये समीकरण होता है एच एन बराबर ई एन टू माइनस ई एन वन होता है भाई। अब यहाँ देखो इसके अंदर जो एच एन है अब यहाँ तक ऊर्जाओं का अंतर है, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से एच एन बराबर डेल्टा ई, क्योंकि ऊर्जाओं का अंतर है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो हमें पहले देखो बी के संगत ज्ञात करें हम तरंग धैर्य। तो देखो देखो बी कहाँ से कहाँ तक है, बी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। तो नंबर हम एक की बात करें बी ऊर्जा स्तर बी के संगत तरंग धैर्य। तो मैं देखो जो ऊर्जा स्तर बी है इसके संगत जो तरंग धैर्य है वो हो जाएगा देखो एच, अब न्यू का मान सी अपॉन लैम्बडा होता है अपन जानते हैं, बराबर डेल्टा ई हो जाएगा जो कि अपन जानते हैं न्यू इक्वल क्या होता है भाई सी अपॉन लैम्बडा होता है न्यू बराबर। तो हमने यहाँ न्यू का मान रख लिया सी अपॉन लैम्बडा। अब देखो डेल्टा ई क्या हो, देखो डी दो कहाँ से कहाँ तक, देखो देखो बी कहाँ से कहाँ तक, बी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा ई की जगह, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर देखो भाई यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या हुआ कि हमें जीरो माइनस 4.5 ई वी ऊर्जा लेनी है। तो एच सी अपॉन लैम्बडा इक्वल इसको बी कर लेंगे लैम्बडा बी, तो ये हो जाएगा 4.5 ई वी, हमें लैम्बडा बी का मान चाहिए। तो यहाँ से जो लैम्बडा बी का जो मान है वो आ जाएगा ये एच, देखो ये हो जाएगा एच सी अपॉन 4.5 ई वी। तो लैम्बडा जो बी का मान है वो एच, एच का मान रख लो 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34। सी प्रकाश का वेग का मान रखो ठीक है भाई, और ये है 4.5 ई वी। अगर आप चाहें तो इसको अगर आप चाहें तो जूल में चेंज कर सकते हो ई वी से। और देखो जब इसको सोल करेंगे तो लैम्बडा जो बी का मान आएगा वो लगभग 2750, इसको सोल करने पर लैम्बडा बी का मान 2750 एंगस्ट्रम में प्राप्त होगा। वही तो लैम्बडा देखो बी का मान था। हम तो इसी प्रकार से हम जो ये जो ऊर्जा स्तर डी के लिए है हमने जिस प्रकार से बी के लिए हमने तरंग धैर्य ज्ञात किया है सेम हम उसी प्रकार से अब डी के लिए ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे डी के लिए, सेम यही तरीका रहेगा। तो जो यहाँ हो जाएगा डी के लिए, भाई देखो डी के लिए तो डी के लिए वही सेम एच सी अपॉन लैम्बडा सेम रहेगा सूत्र यहाँ। अब देखो यहाँ डेल्टा देखो डी दो, डी दो कहाँ से कहाँ तक है, डी यहाँ पे दो, डी के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा है, हमें यहाँ से यहाँ तक अंतर लेना है। तो डी के लिए ये लैम्बडा डी हो जाएगा भाई, और इसके लिए हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा डी बराबर दो डेल्टा ई का जो मान है हमें अंतर यहाँ से यहाँ तक लेना, तो हो जाएगा माइनस दो और माइनस 10 ई वी ठीक है भाई। तो एच सी अपॉन लैम्बडा डी माइनस ये हो जाएगा बराबर माइनस 2 प्लस 10 ई वी
ठीक है, ये दो ईवी है, दो ईवी प्लस 10 से ईवी, तो भाई यहाँ प्लस का 8 बचेगा, तो एच सी अपॉन लैम्बडा डी बराबर बचेगा प्लस का 8 ईवी बचेगा। हमें देखो लैम्बडा डी का मान चाहिए, लैम्बडा डी यहाँ से देखो तो लैम्बडा डी का मान हमें चाहिए, तो वही बात सेम है यहाँ भी, सेम वही हो जाएगा एच सी अपॉन 8 ईवी। एच सी में वही इसका मान रखेंगे, तो लैम्बडा डी इज इक्वल एच का मान वही है, इसमें इसका मान रख देंगे और भाई प्रकाश का वेग का मान रख देंगे, ठीक है, और बटे में 8 ईवी है। जब इसका सोल्व करेंगे इसका मान, तो इसका मान जो है वो लगभग 1550 के समथिंग आएगा, तो इसका जो मान है वो 1550 के समथिंग इसका मान जो है हमें एंगस्ट्रम में मान इसका प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा भाई था पहला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें संवेग का मान जो है ज्ञात करना है, हमें संवेग का मान जो है इसके अंदर ज्ञात करना है। देखो दूसरा में बताया गया कि n बराबर 5 अवस्था में n बराबर 1 की अवस्था में जाने में फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु की संवेग क्या है, तो संवेग ज्ञात करना है और हमें कक्षाओं की संख्या का मान दे रखा है, तो अपन जानते हैं, तो अपन जानते हैं कि 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल होता है r इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही बात है, एन वन का जो मान है वो 1 और एन टू का जो मान है वो है 5, ये मान रखेंगे, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल r इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा भाई, और 5 का होगा 25, ठीक है भाई। देखो 1 बटा लैम्बडा बराबर r इंटू देखो 25 का लेस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल यहाँ बचेगा 24 r बटे 25 होगा भाई। अब देखो अगर हम दोनों जो पक्ष हैं, अगर हम दोनों पक्षों को h से गुणा कर दे, तो यानी दोनों पक्षों को h से गुणा करने पर भाई दोनों पक्षों को देखो h से गुणा कर, तो आ जाएगा h अपॉन लैम्बडा और यह आ जाएगा इधर 24 h r अपॉन 25। अब देखो अपन जानते हैं कि जो संवेग होता है वो p बराबर क्या होता है, h अपॉन लैम्बडा होता है संवेग, ठीक है भाई। संवेग क्या होता है, p बराबर h अपॉन लैम्बडा, यह आ जाएगा p, ये हो जाएगा p बराबर 24। देखो अब h का मान रख दो, वही 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34, r का मान रखो 1.09737 गुणा 10 की पावर 7, और भाई यहाँ बटे में जो है इसका 25 है, ठीक है भाई। और अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 6.98 होना जाएगा, p बराबर 6.98 गुणा 10 की जो पावर है वो माइनस 27 और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया संवेग का मान ज्ञात हमारा। तो उसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें जो है अधिकतम कोणीय चाल, देखो कोणीय चाल ज्ञात करनी है, तो भाई देखो कोणीय चाल का सूत्र होता है, यानी जो कोणीय चाल है, कोणीय चाल ओमेगा एन भाई बराबर होता है वी एन अपॉन आर एन होता है भाई। वी एन का मान हमें दे रखा है 2.186 गुणा 10 की पावर 6 और जो आर का मान है 0.529 गुणा 10 की पावर माइनस 10 भाई। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो ओमेगा एन का जो मान है वो 4.1 गुणा 10 की पावर 16 रेडियन प्रति सेकेंड इसका माना जाएगा। तो इस तरह हमने तीन क्वेश्चन सोल्व कर लिए इस वीडियो में, इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।